नैन गवाए के दर दर मांगे भीख, यानी कि अपनी चीजों की रक्षा नहीं की और अब भीख मांगने की गिड़गिड़ाने की नौबत आ गई है। किसकी? तो पाकिस्तान की। आखिर पाकिस्तान चीन के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहा है? क्या पाकिस्तान पर हो गया है कब्जा चीन का? और आखिरकार नेपाल की मॉडल जैसी चीनी राजदूत ने भी पीएम ओली को क्यों दे दिया झटका? चीन से परेशान ऑस्ट्रेलिया ने अब भारत के साथ मिलकर तैनात कर दिया उनको, जिससे चीन को लगता है डर। आखिर भारत के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहा है चीन? और क्या आज नेपाल के ओली सरकार की जाएगी कुर्सी? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कल नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने बुलाया था चीनी राजदूत, वही चीनी राजदूत जो मॉडल जैसी दिखती है और जिसके इशारे पर ऐसा कहा जा रहा है नेपाल में कि प्रधानमंत्री ओली चलते हैं। प्रधानमंत्री ओली के घर और ऑफिस में वो कभी भी आ जा सकती हैं। हालांकि इतनी भूमिका बताने के लिए काफी है कि चीनी राजदूत का क्या महत्व है नेपाल में। तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने बुलाया चीनी राजदूत को, मदद मांगी किस चीज के लिए? तो इस चीज के लिए कि नेपाल में उनकी कुर्सी पर खतरा है। उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड ने मांगा है इस्तीफा और पार्टी अब दबाव बना रही है। चीनी राजदूत अब पस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब वो कोई मदद नहीं कर सकती है। बाहर आकर उन्होंने मीडिया को यह बयान दे दिया कि एक साजिश के तहत चीन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि नेपाल और भारत के रिश्ते खराब करने में चीन का हाथ है, जबकि चीन की का कोई रोल नहीं है। साथ ही साथ जब उनसे यह पूछा गया कि चीन ने नेपाल की जमीन कब्जा कर ली है, तो चीनी राजदूत का कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1971 में जो हम लोगों के बीच संधि हुई थी, जो सीमांकन हुआ था, चीन उसी पर कायम है और चीन हर देश की संप्रभुता और अखंडता पर सम्मान करता है। यानी इतना बड़ा झूठ जो पचा नहीं। चीन किसी की भी अखंडता का सम्मान नहीं करता है और हर की जमीन हड़पना चाहता है। हालांकि चीनी राजदूत इतना कहकर कन्नी कटाकर निकल गई और अब फंस गए पीएम ओली। पीएम ओली को आज बुलाना पड़ा आपातकालीन कैबिनेट बैठक, और इस बैठक के अनुसार पीएम ओली को या तो इस्तीफा देना पड़ेगा ताकि पार्टी टूटे नहीं, या फिर खुल्लम खुल्ला कहना पड़ेगा कि सदन में मैं अपना बहुमत साबित करूंगा। अब देखना यह है कि पीएम ओली क्या चुनते हैं। तो ऐसे विषम स्थिति में चीनी राजदूत ने भी साथ छोड़ा और कुर्सी भी जाने लगी। अगर ओली इस्तीफा देते हैं तो कम से कम पार्टी का अध्यक्ष पद तो बच जाएगा। चीन को दुनिया में लगातार बड़े बड़े झटके लगते जा रहे हैं। जहां भारत ने 59 चीनी एप्लीकेशनों को बंद कर दिया, तो इसके बाद अब अमेरिका ने भी बड़ा कदम उठा लिया है। अमेरिकी सरकार ने चीन की दो कंपनियों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, जिसमें हुआई टेक्नोलॉजी और जेटी कॉरपोरेशन शामिल है। अब अमेरिका में इन दोनों कंपनियों पर कारोबार करने से बैन लग गया है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने मंगलवार को 5-0 की वोटिंग के आधार पर इन कंपनियों को खतरनाक बताया। अमेरिकी सरकार ने इन कंपनियों से करार किया हुआ है, जिसमें 8.3 बिलियन डॉलर का सामान खरीदता था, लेकिन अब इस पर रोक लग गई है। आपको बता दें, भारत में भी हुवेई पर संकट बरकरार है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई थी, जिस पर भारत भी रोक लगा सकता है। अमेरिका का कहना है कि हम चीनी कंपनियों को हमारे नेटवर्क साझा नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच पाए। अमेरिकी प्रशासन ने पहले से ही हुवेई के साथ विवाद चल रहा है और उसे ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, और अब साफ साफ अमेरिका ने कह दिया कि यह उसके देश के लिए खतरा है। भारत ने 59 एप्लीकेशन पे बैन लगाया तो पहले तो चीन भड़क उठा। चीन ने कहा कि डोकलाम से भी बुरी स्थिति होगी, लेकिन अब चीन सीधे रास्ते पर आ रहा है, हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा है और कह रहा है कि भारत को फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि इस कदम से भारत और चीन दोनों को नुकसान है। मुझे तो नुकसान है ही, तुम्हें भी नुकसान है। भारत को इसलिए नुकसान है कि चीनी इन्वेस्टर बड़े बड़े पैसा लगाने वाले थे भारत में, लेकिन भारत के इस कदम के बाद अब भारत में पैसा नहीं लगाएंगे। तो आपको बता दें, कोई चीनी इन्वेस्टर अगर भारत में पैसा लगाता है तो उसे शक की नजर से ऐसे ही देखा जाएगा, क्योंकि जब ये पैसा लगाते हैं तो अपने साथ साथ अपनी जासूसी चीजों को भी लेके आते हैं,
यहाँ का डेटा वहां भेजना, यहाँ की कमजोरी वहां भेजना। चीन पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से भारत को मनाया जाए और भारत अपने इस बैन के फैसले को वापस ले ले। चीन का कहना है कि अगर कोई मामला है तो हम उसे सुलझा लेंगे, लेकिन भारत ये कदम वापस ले ले। वैसे आपको बता दें, चीन अपने यहाँ किसी दूसरे की एप्लीकेशन या वेबसाइट नहीं चलने देता और अपनी एप्लीकेशन पूरी दुनिया में फैलाकर उनकी डेटा की चोरी करता रहता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर इंसान गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है तो उसमें सबसे पहले वह खुद ही गिरता है, और यही पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। अब तक चीन के कंधे पर चढ़कर भारत को ललकारने वाला पाकिस्तान अब खुद इतना असहाय हो गया है कि इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानी उन ऑफिस में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं जहां चीन का कब्जा हो, यानी कि चीनी ऑफिस में पाकिस्तानी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। शुक्रवार को पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर एक स्थानीय मौलवी ने इन बातों को कहा। उस वीडियो में मौलवी ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को इसके लिए कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान के लोग चीन को ये बता दें कि वहां के लोगों को अगर पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान के नियम कायदों के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये मुल्क उनकी जागीर नहीं है। मौलवी ने कहा कि चीन की कंपनियों में काम कर रहे लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान में कई जगह पर चीन के खिलाफ विरोध भी शुरू हो गए, और इस वीडियो में मौलवी ने आगे यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान की आन बान और शान के लिए वहाँ की आवाम को इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। नमाज पढ़ना सबका अधिकार है। हालांकि यह बात कहना बहुत आसान है पर करना उतना ही मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही कर्जे में डूबा है और वो गिड़गिड़ा रहा है चीन के सामने कि कर्जा चुकाने के लिए 10 साल का और वक्त दे दो। चीन को हिंद महासागर पर अपनी पकड़ बनाए रखने के साथ साथ अपने BRI प्रोग्राम के लिए एक शिकार चाहिए था, और वह शिकार पाकिस्तान ने पूरा हो गया है। इसलिए चीन ने पाकिस्तान के साथ साझेदारी शुरू की, चाहे पाकिस्तान को करोड़ों रुपए की मदद दी या फिर ग्वादर पोर्ट में पैसे लगाए, पाकिस्तान ने चीन की सेवा में अपना पूरा देश को ही झोंक दिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण की एक बहुत भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी है, और जो धीरे धीरे पाकिस्तान की जनता को समझ में आ रही है। एक और कोरोना के नाम पर जहां चीन ने पाकिस्तान को बेहद घटिया दर्जे के मास्क भेजे थे, अंडरवियर के बने हुए मास्क, वहीं दूसरी तरफ कई घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें चीनियों की मिलीभगत दिख रही है। ऐसे में पाकिस्तान में अब जिस तरह से चीनी अपना मनमानी कर रहे हैं उससे एक बात तो सिद्ध होता है कि यह मुसीबत पाकिस्तान ने खुद बुलाई है। मालदीव और श्रीलंका की उदाहरण से कोई सीख नहीं लिया, और जिस तरह से पाकिस्तान ने चीन को अपनी सर आंखों पर बिठाया अब उसी को भारी पड़ने लगा है। कोरोना को लेकर ऑस्ट्रेलिया के सवालों से नाराज हुआ चीन, और उसने उसके ऊपर आर्थिक रूप से शिकंजा कसना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि छात्रों को लेकर भी चीन ने नया एडवाइजरी जारी करा कि ऑस्ट्रेलिया से छात्र निकल जाएं, चीन के छात्र ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएं। यानी कि आर्थिक रूप से एक झटका देने की कोशिश करी चीन ने, और चीन यहीं तक नहीं रुका है। चीन ने तो ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का कुत्ता भी कह दिया था, बिल्कुल यही शब्द कहा था। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाले कई सामानों पर भी बैन लगाया। हाल के दिनों में चीन और उत्तर कोरिया ने लॉन्ग रेंज की कई मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिनमें से कई 5500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, जिसके बाद से ऑस्ट्रेलिया भी अब मूड में आ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी रक्षात्मक रणनीति के तहत अब बड़े बड़े हथियार खरीदने के लिए मास्टर प्लान बना रहा है। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी विवाद अब और गहरा होता दिखाई दे रहा है। चीनी सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे आर्थिक घेराबंदी और साइबर हमलों से परेशान होकर ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सेना को और भी ज्यादा मजबूत करने का फैसला ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सेना के लिए नए हथियारों के खरीद की घोषणा की है। इसके अलावा एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया कई महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी सेनाओं की तैनाती भी बढ़ा रहा है। पीएम मॉरिसन ने बुधवार को घोषणा करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपने सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स के बेड़े को मजबूत करने के लिए लंबी दूरी के एंटीशिप मिसाइलों को खरीदेगा,
और अपनी रक्षा नीति में भी बदलाव करेगा ताकि ऑस्ट्रेलिया का यह कदम उसके दोस्त देशों, सहयोगियों और अपनी भूमि की रक्षा के लिए है। यानी कि साफ साफ ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि अगर भारत के साथ युद्ध होता है तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सारे एक तरफ हो जाएंगे। यहाँ तक ही नहीं रुका है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया अब हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी तैनात करने की तैयारी में है। जमीन से लॉन्च की जा सकने वाली लॉन्ग रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल और सरफेस टू एयर मिसाइल के तैनाती के बारे में सोच रहा है ऑस्ट्रेलिया, और इसके लिए वह बड़ी मात्रा में अमेरिका से खरीदारी भी करने वाला है।